3000 रुपए बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, और जो गैस का सिलेंडर है जो नरेंद्र मोदी कितने का देता है, नवीन बाबू कितने का देते हैं, 800, 1100, कितने का मिलता है, 1100, ये 500 का हो जाएगा। और ओडिशा की सरकार धान के लिए ओडिशा के किसानों को 3000 रुपए प्रति क्विंटल देने जा रही है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो तेलंगाना जाइए, कर्नाटक जाइए और वहां की जनता से पूछ लीजिए, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी वहां पूछ लीजिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो धान के लिए 3000 रुपए मिलता था, हाँ या ना, सिलेंडर कितने का मिलता था पूछ लीजिए, महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा आता है पूछ लीजिए। तो ओडिशा की सरकार 2000 रुपए महीने के महिलाओं को देगी, 3000 रुपए महीने के युवाओं को देगी, किसानों को 3000 रुपए। मगर ये इतना बड़ा काम नहीं है जितना दिल्ली की सरकार करने जा रही है। दिल्ली की सरकार आएगी तो हम क्रांतिकारी काम, हिंदुस्तान की सरकार पहली बार 5 ऐतिहासिक क्रांतिकारी, दुनिया को हिलाने वाले काम करने जा रही है। और आज आप जो सुनोगे आपको मजा आ जाएगा। पहला काम, नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए 22 लोगों को दिए। हम हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनाएंगे, हर परिवार में एक महिला का नाम चुना जाएगा। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और फिर उस महिला के बैंक अकाउंट में 5000 नहीं, 10000 नहीं, 15000 नहीं, 50000 नहीं, 70000 नहीं, 1 लाख रुपया साल का बैंक अकाउंट में सीधा जाएगा। 8500 रुपए हर महीने खटाखट बैंक अकाउंट में जाएंगे। साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8500 रुपए गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में, चाहे वो किसान का परिवार हो, मजदूर का परिवार हो, बेरोजगार युवा का परिवार हो, अगर वो गरीब है, बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए खटाखट डालेंगे। देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी दी, अमीर घर के बेटों को अप्रेंटिसशिप मिलती है, टेम्पररी जॉब मिलती है, अदानी का बेटा अदानी कंपनी में जाकर अप्रेंटिसशिप करता है, उसको सैलरी मिलती है, उसको ट्रेनिंग मिलती है, मगर हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को ये मौका नहीं मिलता। वो भटकते रहते हैं ओडिशा की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर, मुंबई की सड़कों पर। इसीलिए हम एक योजना ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की, पहली नौकरी
पहली नौकरी पक्की, मैं आपको समझा देता हूं। मैडम आप बड़ी खुश हैं, आपके बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपया आने जा रहा है, इसलिए मुस्कुरा रही हैं। हाँ हाँ, अब यहां पे बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं। नवीन जी ने, मोदी जी ने आपको पान दिया, पान दियन दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कांग्रेस पार्टी क्या देने जा रही है। हम आपको सारे के सारे बेरोजगार युवाओं को, जिनके पास यूनिवर्सिटी कॉलेज डिग्री है, डिप्लोमा है, आपको हम 1 साल की पहली नौकरी की गारंटी, मतलब अधिकार देने जा रहे हैं। आपने पिछले 10 साल बहुत सारे लोगों से हाथ जोड़ के रोजगार मांगा ना, सड़कों पे मांगा ना। हमारी सरकार आएगी, अगर आपने यही सरकार से किया, अगर हिंदुस्तान का कोई भी युवा सरकार से नौकरी मांगेगा तो सरकार गारंटी करके उसे 1 साल की नौकरी देने जा रही है। कहा पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी ऑफिसेज में 1 साल नौकरी का आपको अधिकार दिया जा रहा है। आप जाओगे, सरकार को कहोगे मैं बेरोजगार हूं, 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बेरोजगार रखा, अब आप मुझे रोजगार दीजिए। इंडिया की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार आपको प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में 1 साल की अप्रेंटिसशिप, 1,00,000 रुपए साल का बैंक अकाउंट में, और दुनिया की सबसे बेहतर ट्रेनिंग आपको 1 साल के लिए 8,500 रुपए महीने के खटाखट 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 आपके बैंक अकाउंट में। भाइयों और बहनों समझ लो, नवीन जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने, अंकल जी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया, अब हम करोड़ों लोगों को लाखपति बनाने जा रहे हैं। हजारों को नहीं, लाखों को नहीं, करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट में हम 1,00,000 रुपए साल का डालने जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं, मैं साफ कहता हूं, अगर आपने 10 साल अदानी को करोड़ों रुपए दिए, तो हम अगले 10 साल करोड़ों लोगों को लाखों रुपए दे सकते हैं। तो ये हमारा प्लान है। उड़ीसा की सरकार आपको 5 गारंटी दे रही है, यहां पे साफ लिखा है 2,000 रुपए महीने के उड़ीसा की सरकार महिलाओं को देंगी, मतलब 24,000 रुपए आपके यहां हो गए। उसमें आप 1,00,000 रुपए जोड़ दीजिए महिलाओं के, 1,24,000 रुपए लाखों महिलाओं के बैंक अकाउंट में उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है। ये मैं आपसे कहने आया था। देखिए बहुत हो गया, बहुत पान आपने खा लिया, बहुत पान खा लिया, पेट खराब हो गया, अब आप कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए। नरेंद्र मोदी जी और ये जो हैं आपके, ये देखो एक साथ इनकी फोटो लग रही है, बिल्कुल पार्टनर लग रहे हैं, इनको आप यहां से हटाइए। गरीबों की, किसानों की सरकार लाइए,
भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया, कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है, और एक बार नहीं, मैं कह रहा हूं आपको, एक बार नहीं, हम कमीशन बनाएंगे, जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी कांग्रेस पार्टी की सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी, और गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए सही दाम मिलता है, मगर हमारे किसानों को धान के लिए, गेहूं के लिए सही दाम नहीं मिलता, शुगर केन के लिए सही दाम नहीं मिलता। हम कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रहे हैं, उड़ीसा के किसानों को सही दाम देने जा रहे हैं। अब आप कहोगे किसानों की बात कर दी, युवाओं की बात कर दी, बेरोजगारों की बात कर दी, महिलाओं की बात कर दी, अब मजदूरों का क्या होगा? बताता हूं, आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को डायरेक्ट मैसेज दे रहा हूं, आपकी आमदनी दुगनी कर देंगे, और मनरेगा में जो काम करते हैं आपका रेट 400 रुपए करने जा रहे हैं। आखिरी बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के सारे आदिवासियों का अपमान किया, उन्होंने आपको आदिवासी नहीं कहा, उन्होंने आपको वनवासी कहा। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो, आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, ये जमीन आपकी थी, इस जमीन का हक, जंगल का हक, जल का हक कांग्रेस पार्टी आपको वापस देगी। ये जो आपकी जमीन छीनते रहते हैं, ये जो आपकी सारी की सारी जमीन इन्होंने अदानी को दी, आपका जो जमीन, आपकी जो जमीन छीनी, आपका जो हक बनता है, आपका जो पट्टा है, आपका जो जल है, आपका जो जंगल है, आपकी जो जमीन है, वो हम गारंटी करके हम आपको वापस आपके हवाले कर देंगे। जो हमने आपके लिए हर बार किया है, जो इंदिरा गांधी जी ने किया, जो राजीव गांधी जी ने किया, जो उन्होंने बात मानी, एक्सेप्ट की कि हिंदुस्तान का पहला मालिक आदिवासी है, और आदिवासी का अधिकार बनता है जल का, जंगल का, जमीन का, वो अधिकार हम पूरा करके आपको देंगे, आपकी जल, आपकी जमीन, आपका जंगल, वो हम आपको वापस देंगे। दिल से आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय उड़ीसा।